दोस्तों गुड आईएमसी। दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है जब आईएमसी का एप्लीकेशन काम नहीं करता है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आईएमसी के सर्वर पे कुछ अपडेशन कुछ चेंजेस चल रहे होते हैं, जिस वजह से ऐप को थोड़ा सा डाउन कर दिया जाता है। दोस्तों उस स्थिति में अगर आपको किसी की आईडी लगानी है तो आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम खोल करके किसी भी की आईडी आप लगा सकते हो। आपने आईएमसी बिजनेस ओपन किया, एसोसिएट लॉगिन पर क्लिक किया। एसोसिएट लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने आईडी एंड पासवर्ड पूछेगा। आपको उसमें अपना आईडी एंड पासवर्ड डालना है। आप चाहो तो ये वेबसाइट भी देख सकते हो, imcbusiness.co.in/web/login-associate। और ये देखो बिल्कुल जैसा खोलना चाहिए वैसा ये खुल जाता है। और आप किसी की भी आईडी जैसे आप ऐप में लगाते हो वैसे यहाँ भी सेम प्रोसीजर है, आप लगा सकते हो। आपको यहाँ जाना है, अदर में एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है दोस्तों। अब लेकिन चूंकि डॉक्यूमेंट जो है वो ऐप से लगते हैं, अब इस केस में डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करेंगे? दोस्तों इसका भी रास्ता है। जब आपने आईडी लगा दी तो आपके पास ये लास्ट में रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन मैसेज आता है। जब हम किसी का आईडी लगाते हैं तो लास्ट में ये न्यू एसोसिएट का यूज़र नेम और पासवर्ड भी हमें दिखाई देता है। दोस्तों एक बार उसकी आईडी अपलोड करने के लिए आप इससे काम ले सकते हो। आपको उसका पासवर्ड नहीं लेना है, या आप अपने एसोसिएट को सिखाएं, एजुकेशन दें कि वो खुद अपना आईडी अपलोड करें, ये अच्छा रहेगा। दोस्तों उस केस में अगर आपको उनको नहीं लगाना आता है डॉक्यूमेंट, आप लगा सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ से न्यू टैब ओपन करना है। और फिर यहाँ जाके आपको रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया वैसे ही आपके सामने एज ए लैपटॉप वाला जो व्यू होता है, जो कंप्यूटर में हम जो पेज खोलते हैं, सेम वैसा का वैसा हमें दिखाई देगा कुछ ये। अब आपको जिस बंदे की हमने आईडी लगाई है उसका यूज़र नेम कॉपी करके पासवर्ड कॉपी करके हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद हमें उसका आईडी खुला हुआ मिल जाएगा। उसका आईडी हमें खुला हुआ मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमें ये आईडी खुला हुआ है, मैं दोबारा खोल लेता हूँ। ऐसे आप आईडी खोलोगे, यूज़र नेम डाल दिया, फिर उसका पासवर्ड डाल दिया, और आपके सामने ये पूरा ओपन हो गया, राइट। आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे प्रोफाइल दिख रहा है, लॉगिन हिस्ट्री दिख रहा है, आपको माय अकाउंट पे क्लिक करना है। माय अकाउंट पे क्लिक किया, आपके सामने आ गया केवाईसी स्टेटस, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक किया, आपके सामने एक नया विंडो खुल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ लिखा आ गया फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन भी आ रहा है। आपको फोटो अपलोड करनी है, आपको यहाँ पे अपलोड क्लिक करना है। एक नया पैनल खुल जाएगा अपने आप, एक नया विंडो खुल जाएगा। आप इसको भी रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे अपलोड किया। जैसे आपने अपलोड का बटन क्लिक किया आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ आएगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट फाइल करना है, सेलेक्ट फाइल। और आप जो फोटो है गैलरी में जा करके रिसेंट टैब में जा करके आप उस चीज़ को आपने अपलोड कर दिया। आपने जैसे अपलोड किया
उसके बाद आपको यहाँ पे जब ये ग्रीन लाइन मतलब अपलोड हो चुका है फिर आप क्लोज कर दो। थोड़ा समय लेगा ये, उसके बाद ये आपको फोटो दिखा देगा। उसके बाद आपको करना है आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड, इसमें आपको वापस से अपलोड पे क्लिक करना है, फिर से नया खुल जाएगा। आपको यहाँ पर भी रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट ओपन करना है, अपलोड करना है, सेलेक्ट फाइल करना है, फाइल चुननी है और अपलोड कर देना है। अपलोड दोस्तों ये हो चुका है। उसी प्रकार से वापस आपको एड्रेस प्रूफ भी ऐसे ही आपको अपलोड करना है। आप चाहो तो इनको आप क्लोज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने जैसे एड्रेस प्रूफ पे क्लिक किया आपके सामने ऑप्शन आ गया, ये पूरा पैनल फिर से खुल गया। आपको वापस से अपलोड पे क्लिक करना है और सेलेक्ट फाइल, और आपने एड्रेस प्रूफ दोस्तों ये भी अपलोड हो चुका है क्लोज। दोस्तों सारी चीज़ें सही से अपलोड हुई है या नहीं ये आप चेक कर सकते हो, और वापस से जब आप माय अकाउंट पे जाओगे और केवाईसी स्टेटस देखोगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोडेड मिलेंगे। जैसे मैंने फिर चेक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया नॉट वेरीफाइड, यहाँ पे आ गया नॉट वेरीफाइड, यहाँ पे अपलोड फोटो, ओके। हम चेक भी कर सकते हैं, ये सही हुआ अपलोड। एड्रेस प्रूफ में आप चेक कर सकते हो क्या लगा है क्या नहीं लगा, एड्रेस प्रूफ भी सही लगा है, ठीक है। फोटो हम लगा नहीं पाए, शायद नहीं हुआ होगा, दोबारा कर देते हैं। अपलोड पे गए, अपलोड पे वापस क्लिक किया और सेलेक्ट फाइल किया, गैलरी खुल गई और हमने फोटो उनकी वापस से अपलोड कर दी। दोस्तों क्लोज करना ज़रूरी है, नहीं तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। और यहाँ पे आपने इसको अपडेट कर दिया है। अब आप दोबारा चेक करोगे तो आपको सारे की सारी चीज़ें अपलोडेड दिखाएगा, वेरिफिकेशन अपने आप आईएमसी कर लेगी। देखा आपने नॉट वेरीफाइड नॉट वेरीफाइड नॉट वेरीफाइड। तो दोस्तों इस तरीके से आप जब आईएमसी का ऐप काम नहीं कर रहा है तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किसी भी आईडी पे जो नए एसोसिएट है उनकी आईडी पे आप अपलोड कर सकते हो। दोस्तों ये अपनी टीम को ज़रूर सिखाएं और जो नए एसोसिएट है उनको भी सिखा दें ताकि उनका आपको आईडी और पासवर्ड ना लेना पड़े। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी मैंने सही से दी है। गुड आईएमसी।